राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। हंस किसका। सुबह का समय था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे। सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उनके चीखने की आवाजें आने लगी। जैसे कि पक्षी डरकर चिल्ला रहे हो। तभी एक हंस उसके पैरों के पास आ गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वो तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। उसने प्यार से हंस के पंखों पर हाथ फेरा। ओहो। धीरे से तीर निकाला। सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और पट्टी बांधी। हंस का तड़पना कुछ कम हो गया। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए रहा। इतने में उसका भाई देवदत्त दौड़ा आया। वो बोला, ये हंस मुझे दो, ये मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, ये हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। वो हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला। सामने ही राजा खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। सिद्धार्थ बोला, पिताजी, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वो घायल हो गया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब ये हंस मेरा है। देवदत्त बोला, नहीं नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैंने इसे बचाया है। राजा सोचकर बोले, देवदत्त,
तुम तो इस हंस को मारना चाहते थे, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। हंस सिद्धार्थ का ही है। हंस किसका? अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्त आलूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राखी जैन, दिनेश वर्मा, आशीष और संकल्प, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।